69,000 शिक्षकों की चयन सूची इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने रद्द कर दी है। सहायक शिक्षक भर्ती 2019 के मामले में सरकार और अन्य संबंधित यह आदेश न्यायालय ने दिया है। कोर्ट ने कहा कि नई चयन सूची बनाते समय सहायक शिक्षक पर विपरीत असर पड़ता है तो मौजूदा सत्र का लाभ दिया जाए। न्यायालय ने कहा कि शिक्षक पात्रता परीक्षा में आरक्षण का लाभ लेने वाले अभ्यर्थियों को कट ऑफ मार्क्स पाने पर अनारक्षित वर्ग में रखा जाना सही है। शिक्षा विभाग पूरे आदेश का अवलोकन कर रहा है। स्टेट गवर्नमेंट एक लिस्ट बनाएगी, नई सिलेक्ट लिस्ट बनाएगी और वो सिलेक्ट लिस्ट इस प्रिंसिपल पर बेस्ड होगी कि अगर रिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट ने टीटी और एटीआरई दोनों में रिलैक्स क्वालिफाइंग स्टैंडर्ड्स के बेसिस पे क्वालिफिकेशन अचीव की है, उसके उपरांत भी वह जनरल कैटेगरी में माइग्रेट करेगा, जिससे कि नए रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट्स का सिलेक्शन हो सकेगा। शासन को यह निर्देश दिया गया है कि इस प्रिंसिपल के बेसिस पे 3 महीने के अंतर एक नई सेलेक्ट लिस्ट बनाई जाए। इस सेलेक्ट लिस्ट को बनाए जाने पर जो ऑलरेडी वर्किंग लोग हैं, वर्किंग टीचर्स हैं, अगर वो इस नई सेलेक्ट लिस्ट का पार्ट नहीं हो पाते हैं इस प्रिंसिपल को लगाने के बाद, तो उन सभी टीचर्स को सेशन बेनिफिट का लाभ दिया जाएगा, जिससे कि बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों में पढ़ रहे बच्चों को कोई हानि ना हो और उनको इस सेशन तक कंटिन्यू किया जाएगा।